गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव हार गए हैं। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री हैं अभिमन्यु, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं। और हरियाणा सरकार के ऐसे कई मंत्री जो लगातार पीछे चल रहे थे, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा उसके बाद उन तमाम लोगों के रिजल्ट भी सामने आने लगेंगे। फिलहाल आपको बताते चले, हरियाणा में एक तरफ जहां रणदीप सुरजेवाला हार गए हैं चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु जो बड़ा चेहरा वित्त मंत्री, हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन वो भी अपना चुनाव बचा नहीं सके, चुनाव हार गए हैं। मंत्री रहते हुए भी ऐसा लग रहा है जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पाए और इसी वजह से बाहर का रास्ता वहां की जनता ने उनको दिखा दिया है। नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु अपना चुनाव हार गए हैं। अब कैप्टन अभिमन्यु की ओर से इस पूरे मामले पे क्या कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन संबित पात्रा, मैं जल्दी से आपका रुख करते हुए, वित्त मंत्री भी चुनाव हार गए आपके? देखिए, जहां तक नारनौल सीट का सवाल है, कैप्टन अभिमन्यु की सीट एक बहुत डिफिकल्ट सीट है। पिछली बार भी कैप्टन अभिमन्यु लगभग 1000 की मार्जिन से जीते थे, तो इसलिए ये कहना कि बहुत ही कोई सहज सीट से वो जीते हो, ये उचित नहीं होगा। मगर हाँ, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अगर हमारे बहुत सारे मंत्री हारे हैं तो इस पर चिंतन करना होगा और इस पर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आखिर क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे बहुत सारे हमारे मंत्री आज हारे हैं। तो इस पर पार्टी जरूर चिंतन करेगी, पार्टी इस पर मंथन भी करेगी। मगर अमूमन अभी हम देख रहे हैं कि जिस समय ये हम समय आगे बढ़ रहा है, कभी 36, 37, 38, 40 इस प्रकार सीटों में भी फेरबदल हो रहा है, तो मुझे लगता है एकमात्र शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण अभी लग रहा है, संदर्भ में लग रहा है, वो है हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। शाम तक एक कंसोलिडेशन होने के बाद ये स्थापित हो पाएगा कि आखिर सरकार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बनती है और क्या होता है। यानी कि कुल मिलाकर शाम तक आप धैर्य धारण करेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में बोलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है 40 से पीछे ही रह जाएगी बीजेपी और उसे सरकार बनाने के लिए बाकी लोगों में समर्थन की जरूरत होगी। अब जेजेपी को आप मनाते हैं या फिर